जय हिंद बच्चों, जय हिंद। एजुकेशन का मतलब असल में और अंतिम सच जैसे अंधेरा है खेतों में, हमने दिया जलाया, नहीं तो कैंडल लाइट किया, नहीं तो कहीं तो भी बल्ब स्विच ऑन किया, वहां पे जो चेंज हो गया, अंधेरा था, अंधेरा मिट गया और लाइट आ गया, वही पर्पस एजुकेशन का है। एजुकेशन का हमने मतलब निकाला, जिन्होंने स्कूल डाली उनकी भी सोच है, एजुकेशन इज इक्वल टू एम्प्लॉयमेंट। मेरे स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं वो आगे जाके एक अच्छी तनख्वाह कमाए, हर स्कूल का कंसेप्ट हो चुका है, इसलिए बच्चों में वो समझ नहीं आ रही। क्या समझ आ रही? बस मेरे को पढ़ना है, आगे जाके और पढ़ना है और कहीं अच्छे स्तर पर नौकरी पानी है। गलत। देखो, एक समय आता है जिंदगी में कि हमें पैसा आ जाता है, घर होता है, गाड़ी होती है, पर सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, समाधान नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमने लोगों के लिए कुछ किया ही नहीं। जब हम थक जाते हो उस समय में अगर ऐसी फीलिंग्स आती है तो मैं कहूंगा कि हमारी जिंदगी वेस्ट हो गई। सर फिर ऐसा क्यों होता है? क्यों हमें सब सच पता नहीं होता, सब सच पूरा सच पता नहीं होता है। 75-80% सच पता होता है, उसके आधार पे हम जीते हैं, और जब पूरा सच पता होता है तब टाइम नहीं होता है। तो आप कहना क्या चाहते हो? चलो एग्जांपल देता, हर कोई राजा बनना चाहता है, इवन तो मैं भी राजा बनना चाहता हूँ। और फिर अगर मैं इस उम्मीद के साथ रह जाऊ, क्या मुझे राजा बनना है? किसी ने तो भी मेरे को मोटिवेट करना चाहिए ताकि मैं जिंदगी में राजा बनूं। तो कोई तो भी सर है, वो मेरे को आते मोटिवेट करते चले जाते, फिर मैं पढ़ाई करता हूँ, फिर कोई दूसरे दिन और नए सर आते वो मेरे को मोटिवेट करते। अगर ऐसी रूटीन है तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि वो बच्चा जिंदगी में कभी राजा नहीं बनेगा। हालांकि जो सिखाने वाले हैं वो एकदम एक्सपर्ट है, पूरे महाराष्ट्र में ऐसे एक्सपर्ट आदमी नहीं मिलेगा, इतना हमारे एक्सपर्ट है, आपको मोटिवेट करता है। पर उस उम्मीद के साथ अगर तुम जी रहे हो कि एक्सपर्ट टीचर आ रहा है, मेरे को मोटिवेट कर रहा हूँ, मैं राजा बनने वाला, गलत। फिर सही क्या है? अगर तुम्हारी सोच है, मेरी सोच है मेरे को राजा बनना है, तो सेल्फ मोटिवेट होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मेरी सोच ही उतनी बड़ी है, मुझे किसी की जरूरत नहीं। ये जो बात है ना, इस उम्र में तुमको पता चलनी चाहिए भी है, एटलीस्ट थोड़ा बहुत कहीं तो भी चेंज होने वाला है, नहीं तो पॉसिबल नहीं। अब जो भी कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। चलो एक एग्जांपल देता हूं, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। एक गांव था, ठीक है, उस गांव में एक किसान का बेटा भी था, वो तो किसान था, उसका एक बेटा था। उस गांव में और भी लड़के थे और उस किसान के पास एक घोड़ा था, और घोड़े पे वो बेटा सवार करने में इतना एक्सपर्ट था कि जैसी घोड़े की जैसी हवा तेज बहती है उसी स्पीड से उस किसान का बेटा उस घोड़े पे अगर बैठ गया तो इतनी तेजी से सवारी करता था। तो फिर उस राज्य के पूरा निकाह होते, उस राज्य में कोई भी राजा होने वाला था, उस राजा को वो बात पता चली। क्या पता चली? कोई तो भी किसान है, उसका बेटा जब घोड़े पे सवार होता है, वो घोड़ा इतना तेज भागता है, हवा से भी तेज भागता है, हो राजा बड़ा खुश हो गया, बिल्कुल सी बात की, सच्ची है क्या? बिल्कुल कहा, हाँ हुजूर बिल्कुल सही है। फिर राजा ने बिल्कुल से कहा कि जाओ, उसको जो चाहे दो उसको, पर घोड़ा मेरे को होना। बिरबल दो तीन साथी गए उस किसान के पास, बड़े विनम्र से हाथ जोड़े, क्या कि हमारे अपने जो राजा है, अपने राजा, उनको आपका घोड़ा बहुत पसंद आ गया, उनको घोड़ा चाहिए। किसान बोला, हुजूर हम आपकी इज्जत करते हैं, पर मैं घोड़ा किसको नहीं बेचूंगा। अब जो मालक है, हालांकि राजा उसको जबरदस्ती कर सकता था, पर राजा होने के कारण बड़ी सोच होती है। तो बिरबल ने भी जान दिमाग ने कहा चलो हम वापस जाते हैं। राजा के पास गया और कहा कि वो किसान घोड़ा देने से साफ इनकार कर रहा है, तुम कुछ भी दो तो भी वो घोड़ा नहीं बेचने वाला है, ऐसा उस किसान ने शब्द स्पष्ट में कहा। फिर गांव वालों को पता चला, गांव वालों ने उसको बड़ी रिक्वेस्ट की कि अरे तू पागल है क्या, तुझको जो चाहे लेना, राजवाड़ा, महल, सोना, चांदी, जो लेना है वो लो, बस घोड़ा ले, किसान नहीं हो। 4-5 दिन हो गए, घोड़ा रात को गायब हो गया। जैसे गांव वालों को पता चला, सुबह आ गए गांव वाले, कोई चाय पी रहा था वो छोड़ दिया, जैसे उसको पता चला कि उस किसान का घोड़ा चोरी हो गया, आ गए उस किसान के पास। अरे यार हम तेरे को बोल रहे थे घोड़ा बेच दे, राजा को दे, अब ना बाबा गहरे दस में गहरे, अब
किसान बोला, अरे इसमें दुखी होने की क्या बात है, घोड़ा मेरा था, घोड़ा गायब हो गया, उसमें क्या बड़ी बात है, तुम क्यों इतनी चिंता कर रहे हो। नहीं ना, पर आपका कितना लॉस हुआ, ऐसा हुआ, वो तुम उसकी फिक्र मत करो, जाओ जाओ जाओ, सब गए अपने घर। फिर दो दिन हो गए, तीसरे दिन वो घोड़ा तो वापस आया, पर उसके साथ और चार पांच घोड़ी भी देखे अत्यधिक आ गए। फिर दूसरे दिन जब घोड़ा भी आ गया और चार पांच घोड़ी भी लेके साथ में आ गया, वही बात, घोड़ा भी आया और चार पांच घोड़े साथ में लेके आया, बस उसके जैसे तेज दौड़ने वाले। और यार जैसी गांव में खबर फैल गई, फिर से लोग परेशान हो गए, फिर किसान के पास आ गए, और यार तू अजीब प्राणी है, तू तेरा घोड़ा गया था, तूने जानबूझ के कुछ तो भी दिमाग लगाया, हमें बताएं बताएं। अरे यार घोड़ा गायब हो गया था, दो चार दिन अपने आप आ गया, साथ में दो चार घोड़े लेके आया, उसमें क्या बड़ी बात है, तुम काय को दिमाग को टेंशन ले, तुम जाओ घर पे, जाओ 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 जाओ। फिर से वो लोग भी चले गए, किसान अपनी खेती कर रहा था, दो चार घोड़े आ गए, पर उसका बेटा बहुत शौकीन था घोड़े का, तो वो घोड़े के साथ खेलता था। एक दिन क्या हो गया, घोड़े के साथ खेलते खेलते एक घोड़े ने उसको लात मारी, इतनी जोर से लात मारी कि उसका एक पैर फ्रैक्चर हो गया। हॉस्पिटल में दिखाया, डॉक्टर ने कहा उसका पैर काटना पड़ेगा, उसके बिना वो जिंदा नहीं रह सकता, हालत गंभीर हो गई, उसका पैर काटना पड़ा। फिर से लोग आ गए किसान के पास, तूने कुछ तो भी किया होगा, तूने चोरी की, ऐसा किया वैसा किया। फिर से किसान बोला, अरे जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, अब घोड़े ने मेरे बेटे को लात क्या मारी, उसका पैर फ्रैक्चर क्या होना, उसकी जख्म और क्या बढ़ना, डॉक्टर ने कहा उसका पैर काटना, काट दिया हमने, तुम काय को टेंशन है, इतना जो होता है अच्छे के लिए होता है, जाओ वापस जाओ। लोग वापस गए। फिर दो चार दिन के बाद उस राज्य पे कुछ दूसरे राज्य ने आक्रमण किया, अब वहां का जो राजा है उसने कंपल्सरी किया, जितने भी जवान बच्चे सबके घरों में से उठाओ और अपने जो राज्य बाजू वाला उनके साथ युद्ध करो, किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं। अब उस गांव की बारी आ गई, उस गांव के जितने भी जवान बच्चे थे सबको ले गए, जबरदस्ती मारपीट के लेके गए, आपको युद्ध करना है क्योंकि हम पे संकट आया। सिर्फ कौन बचा, उस किसान का बेटा बचा। क्यों बचा, क्योंकि उसका पैर एक पैर नहीं था, वो सीधा चल नहीं सकता था, तो बस वही छोड़ के बाकी सबको ले गए। कहने का मतलब, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, इसलिए हैव द पेशेंस। अब ये तो एक स्टोरी हो गई, बच्चों को स्टोरी बहुत पसंद आती है। अब स्टोरी में से आपको क्या सीखना, हर किसी का सुनने का कंसेप्ट, सोचने का कंसेप्ट अलग है, क्योंकि हर दिमाग सबके पास है, पर सबका दिमाग एक जैसे काम नहीं करता। अब जो मैंने स्टोरी बताई 10-20 बच्चों ने सुनी, तो दावे के साथ कहता हूं सबके आउटपुट अलग अलग होने वाले, उसको वो पसंद आ गया, इसको ये पसंद आ गया, इसने ये सोचा, उसको कुछ भी सोचो, पर जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। एग्जैक्ट पढ़ाई के साथ भी वैसे होता है, हमें सबर करना पड़ता है, सही पढ़ाई देके तुरंत कुछ नहीं होने वाला है, बहुत देर के बाद उसके फ्रूट्स मिलते हैं हमें। और एक बात कहता हूं, हमें थोड़ी बहुत कुछ जानकारी प्राप्त हुई ना तो हम बड़े हवा में उड़ते हैं, और फिर जमीन पे गिरते हैं, इतने जोर से गिरते हैं कि हम खुद बोल देते हैं अरे यार अब खत्म हो गया सब, अब मेरे से नहीं होता। इसका रीजन क्या है, या एक एग्जांपल देता हूं, मैंने क्या कहा, आपको थोड़ा बहुत क्या आने लगा, हम हवा में उठते हैं, इतने उठते हैं कि हम सोचते कि हम पंछियों से भी ज्यादा तेज दौड़ सकते हैं, जो बर्ड्स होते हैं उनसे भी ज्यादा हवा में उड़ सकते हैं, हालांकि वो पॉसिबल नहीं, पर फीलिंग्स आती है। बर्ड्स का उल्टा काम है, जैसे हम पैर चल सकते हैं, रन कर सकते हैं, भाग सकते हैं, ये हमारा काम है, पर थोड़ा बहुत कुछ सीख गए उड़ने लगते हैं, और खा देते कि हम पंछियों से भी आगे फ्लाई कर सकता हूं। गलत एग्जांपल देता, अगर मेरे को स्विमिंग सीखनी है, आई वांट टू स्विम, मेरे को स्विमिंग सीखनी है, ठीक है, मैं खुद गया किसी नदी के पास, कोशिश की, नहीं खुद होना इतना इम्पॉसिबल नहीं, पर इतना तुरंत नहीं सीखता आदमी, पानी में डूब जाता, किसी दोस्त ने कहा कह दिया, वो भी बड़ा भाव खाने लगा, तो 8-10 दिन मैंने कोशिश की, पर मेरे लिए वो इम्पॉसिबल होगा तो मैंने छोड़ दिया, जानते मेरे को तैरना वैरना कुछ नहीं सीखने का, वो बहुत कुटनाई का काम है, कोई सिखाता नहीं, कुछ नहीं, छोड़ दो मुद्दा चेंज। फिर मेरे किसी दोस्त ने कहा एक काम कर, तू तालुका लेवल नहीं तो डिस्ट्रिक्ट लेवल जा, वहां पे स्विमिंग पूल होते, वहां पे कोच होते, उनकी कुछ फीस होती है, पैसे मैं दूंगा ना फिर, पर वो सिखाएंगे क्या, अरे एकदम परफेक्ट सिखाएंगे, देखो तेरे को कोई दिक्कत भी नहीं आ जाएंगे, तू पानी में भी नहीं डूब देने के, देखो सब सिखाएंगे। बड़ा खुश होगा, गांव छोड़ दिया, गया तालुका लेवल, आ गया, नहीं
फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल गया, अरे पता चला एक कोच है भारी, क्या उसकी फी 2-3 हजार है एक महीने की, नहीं हाँ नहीं आकर के स्विमिंग सीखी बोलो, तो उसने सिखाई मेरे को और एकदम परफेक्ट, इतने ज्यादा एफर्ट्स नहीं उठाए मैंने। स्विमिंग पूल में सीखना बहुत आसान होता है और ट्रेनर के साथ तो बहुत आसान, तो 20 दिन में सीख जाए मैं। पर हालांकि पैसे तो पूरे देने एक महीने के और 10 दिन बिताए, और उस 10 दिन में मैंने पूरे नाटक किए, जैसे भी तैरना आता है वो सब सीखा मैंने, और एक अनुमान लगाया और यार अब मैं परफेक्ट हो गया। तो उसने कहा, उस ट्रेनर ने मेरे को कहा कि वेट और भी सर, वेट करो आप ट्रेन हो गए, पर मैं उनको और भी सिखाऊंगा, कुछ बातें होती है। पर मेरे मन नहीं, नहीं अब मेरे को तैरना आ रहा है, बिना हाथ पे रहते भी मैं तैर सकता हूँ पानी के अंदर, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, ये आपकी फीस लो, मेरे को जान दोगा आपकी तरफ। वो तो वेट सुनो, ये तो कुछ भी नहीं, आपने बहुत कम सीखा है, आपका गलत अनुमान है, तो आपके पैसे नहीं, नहीं सुनते हम, नहीं सुनते, मैं गए गाँव की तरफ, गए गाँव की तरफ, ठीक है। फिर क्या हुआ, एक दिन बारिश के दिन थे, अब मेरे को पता था मेरे को स्विमिंग आती है, और मेरे दोस्त को पता है, मैंने पूरे गांव में किया था कि मेरे को स्विमिंग आती है, मेरे को स्विमिंग आती है, और मैंने सबके सामने अपने कुआ होता है उसके अंदर उड़ी मार के वहां पे स्विमिंग करके दिखाया था, छोटी सी नदी थी वहां पे भी मैंने स्विमिंग करके दिखाया था, तो सबने अनुमान लगाया कि वाह आउट सर स्विमिंग परफेक्ट। बारिश के दिन थे, मैं मेरा दोस्त हम जा रहे थे नदी के किनारे, बस टाइम पास के लिए, बाढ़ आ गई, तेजी से पानी आया, तो जो नदी थी फुल बह के बहने लगी, फुल, अब बारिश कितनी तेज गिरती सबको पता है, पानी आया। अब फिर एक दोस्त ने मेरे साथ मजाक किया, कैसे मजाक किया, अब मेरे से भी ज्यादा टफ स्विमर कौन था, मेरा दोस्त था, बहुत टफ था वो, क्योंकि उसने खुद सीखा था, और कहाँ पे सीखा था, ऐसी नदी में कुआं में भीड़ में जब बारिश आती है नदी में कूदी मारने की, पानी के साथ बहना, पानी के विरुद्ध में घुसना, वो बचपन से सीखा था, उसे अपने आप पे बहुत भरोसा था, पर उसकी ज्यादा हवा नहीं थी, हवा मेरी थी, कैसे हवा थी कि और बहुत गया छत्रपति संभाजी नगर गया आउटी सर वहां से सीखते आए बहुत भारी बहुत भारी, सब लोग मेरी तारीफ कर रहे थे गांव में, हालांकि मेरे से एक्सपर्ट कौन था, मेरा बाजूवाड़ा था, क्योंकि उसने सीखा खुद सीखा पर किसी को दिखाया नहीं था, उसकी ज्यादा मार्केटिंग नहीं हो गई थी, मेरी मार्केटिंग ज्यादा हो गई थी, कॉन्फिडेंट था। तो मेरे दोस्त को एक बात तो पक्का भरोसा था, अगर मैंने इसको धक्का दिया इसको तैरना आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो भी मैं इसको बचा सकता हूँ, उतना फुल कॉन्फिडेंट दोस्त में था, और उसके साथ और दोस्त था उसको उसमें भी था। तो फिर उन दोनों ने कुछ तो इशारा किया अपने आंखों में, मेरे को किनारे के पास लेके गए और धक्का दिया, और यार जैसे धक्का दिया मैं सीधा पानी के नीचे गया, ऊपर आया, और फिर कोशिश की कि एक किनारे पे आ जाओ, हालांकि मेरे को आता था स्विमिंग आने के कारण तो मैं बूढ़ने वाला तो नहीं था, पर क्या हो रहा था मैं पानी के साथ बहते जा रहा था, पानी के साथ बहते जा रहा, तो ठीक है 10-20 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, मैं बहुत कोशिश कर किनारे की तरफ आने की, वो संभव नहीं हो रहा, परेशान हो रहे, फिर मैं चिल्लाने लगा बचाओ, एग्जैक्ट मेरे दोस्त को वही सुनने का था कि कब आउट है बोलता कि बचाओ, जैसे उसने सुना बचाओ, दोनों दोस्त ने कूदी मारी, एक रस्सी हाथ में खींची, हाथ में ली, कूदी मारी, और फिर मेरे पास आ गए, आसपास आ गए, फिर रस्सी उनके हाथ में ली, एक दोस्त किनारे पे आ गया, दूसरे ने मेरे हाथ को पकड़ा, रस्सी से भी थोड़ा टाई किया कंबर को ताकि डर मत तू हमें इधर, एक हाथ को पकड़ा रप 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 स्विमिंग करके टिम 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 करके आराम से किनारे पे आ गए। अब देखो अब हुआ क्या, अब क्या हुआ, स्विमिंग तो मेरे को आती थी, मैं तो छत्रपति संभाजी नगर जाके सीख के आया था विद हेल्प ऑफ कोच, पैसे भी दिए थे, पर जहां पे मैंने कोचिंग ली थी वहां पे पानी स्टेबल था, स्विमिंग पूल था, स्विमिंग पूल के अंदर पानी स्टेबल होता है, कोई प्रेशर नहीं होता है, और बाढ़ के साथ क्या होता है पानी बहता है, पानी को तेज फ्लो होता है, उसके साथ क्या होता है मैं कोशिश कर रहा था कि इससे जाने में, पर पानी की तेज होने के कारण मेरे को और एनर्जी लगती है, लगानी पड़ेगी, जैसे कि स्विमिंग पूल में मेरे को बीच में किसी ने धक्का दिया तो मैं बड़े आराम से आता था क्योंकि पानी स्टेबल था, यहाँ पे पानी स्टेबल नहीं ना, पानी इज मूविंग, उसके कारण मैं अपने आप को बचा पाया, पर किनारे पे आना मेरे असंभव था, जान जाने का डर था, कोशिश की ना मैंने बहुत कोशिश की, पर पानी तेज होने के कारण पानी आगे आगे लेके जा रहा, पर जैसे मेरे दोस्त ने कूदी मारी वो भी मेरे साथ आगे जा रहे थे, पर उनको एक आइडिया थी
कि पानी को अपोज करना है, वाटर को एनी हाउ अपोज करना है, और वो धीरे 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 करके ही हम किनारे पे आने, उनको अपने आप पे भरोसा था। स्विमिंग पूल में जैसे हम तुरंत आते हैं किनारे पे, वैसे ही बहते पानी के साथ नहीं होता है, बहुत धीरे हैविंग द पेशेंस और अपनी एनर्जी जितनी भी है उतनी जोर से लगा के किनारे के पास जाना रहे। उनकी सोच थी, मेरी सोच थी क्या नहीं, एग्जैक्ट आप कहता वो कि किसी के मन में डाउट आ गया कि स्टेट बोर्ड सीबीएसई में क्या पैटर्न है, सीबीएसई पैटर्न क्या है, स्टेट बोर्ड भी नॉलेज एजुकेशन देने वाला है, सीबीएसई भी देने वाला है, पर सीबीएसई से तुम्हारी सोच बढ़ने वाली है। क्या कहा मैंने, सीबीएसई तुम्हारी सोच बढ़ा देंगे, तुम्हें सोचने को मजबूर कर देगा। स्टेट बोर्ड ने कहेंगे, स्टेट बोर्ड भी करेंगे ना, स्विमिंग पूल के जैसे तुम सीखोगे फिर तुम पर डिपेंड करेगा, इट टेक्स सम टाइम, पर सीबीएसई देते समय ही तुमको पूरी तरह से ऑलराउंडर बनाएंगे। इसलिए एक अब कहने का मुद्दा बस एक है कि एजुकेशन हर कोई लेता है, पर किस क्वालिटी का एजुकेशन हम लेते हैं उस पे भी हमारा फ्यूचर डिपेंड होता है। ओके, फॉर टुडे इट्स ओके फॉर।